अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग ये शेप टाहिर बनाना सीखेंगे, कार्टून शेप टाहिर। तो इसके लिए सबसे पहले आप इंकस्केप डाउनलोड कर लें। इसका नया वर्जन 1.0 है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और ये सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और कम्प्लीटली फ्री है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। तो उसके बाद कोई सा भी करेक्टर जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो या व्हाइट कलर का हो और उसकी आउटलाइन ब्लैक कलर में हो, उसे डाउनलोड कर लें गूगल इमेजेस के से। मैंने यही रखा हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं इंकस्केप के अंदर। तो इंकस्केप के अंदर सबसे पहले हम लोग पिक्चर को इम्पोर्ट करेंगे। उसका तरीका है फाइल इम्पोर्ट, और जो भी इमेज है उसे क्लिक करके इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैंने इम्पोर्ट पहले से की दिया। उसके बाद इमेज को क्लिक करें, ठीक, और फिर पाथ पाथ ट्रेस बिट मैप के ऑप्शन को क्लिक करें। तो ईवी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये बिट मार्क की जो ये सेटिंग है ब्राइटनेस ट्रैच होल्ड, ये जितनी हाई होगी उतने ज्यादा वो लो लेवल के कलर्स को जो है उन्हें डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। तो मतलब ईवी अभी ब्राउन कलर है, ब्राउन थोड़ा डार्क कलर होता है, तो 0.45 इसके लिए बहुत हाई वैल्यू है। तो ईवी के लिए हम लोग वैल्यू 0.1 रखेंगे, ठीक। ओके क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, अब इसने एक वेक्टर को क्रिएट कर दिया है उसके आउटलाइन के अंदर, ठीक। तो अगर पिकाचू वगैरह होता तो उसके लिए, क्योंकि उसकी स्किन ज़्यादा येलो होती है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड जो है ज़्यादा हाई हम लोग रख सकते थे। तो इसके बाद ये जब आप काट चुके होंगे, मल्टीपल्स आप कर सकते हैं, मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं कि फाइल के अंदर गो करके आप उसे फाइल सेव एस करें, और .svg जो डिफॉल्ट का सेव सिस्टम है वो अपने करना और कोई सा नाम देके सेव कर दें। से मैंने पहले सेव की हुई है, तो दो तीन करेक्टर्स को इसका करना जो फॉरवर्ड्स करते हैं। तो इसके बाद हम लोग ब्लेंडर में चलते हैं, ठीक। तो इसे डिलीट करते हैं डिफॉल्ट क्यूब को, फिर करें फाइल इंपोर्ट डॉट svg, और मैंने डेस्कटॉप में सेव की थी तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सेवन से टॉप व्यू में चले जाते हैं, ठीक। और ये देखिए सारे पैसे सेपरेट हुए हुए हैं। अच्छी बात ये है इसकी, ये पैसे सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही चाहिए इनमें से, तो मैं आपको भी कहा जा रहा था कि आप अलग अलग मतलब कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने डिलीट कर रहा हूँ, मैं पिकाचू को रख रहा हूँ। और टैब दबा के एड मोड में चला जाए, ए से सेलेक्ट कर जाए, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, तो उसे जी करके इसे ओरिजिन के तकरीबन करीब से लेके आ जाए। फिर टैब दबा के एड मोड से बाहर आ जाए और एस दबा के स्केल कर लें इसे, ठीक हो गया। और इसका जो मटेरियल है वो आप रिमूव कर दें, और जो बेस मटेरियल है आम वो सेलेक्ट करके उसे ट्रांसपेरेंट BSDF कर दें, और ब्लेंड मोड अल्फा क्लिप कर दें। उसके बाद ब्लूम को टर्न ऑन कर लें, ठीक, और इसे RX90 दबा के सीधा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। और ये लाइट क्लिक करने इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जी दबा के इसे सेलेक्ट करके जी दबा के ऊपर ले जाएं, ठीक हो गया। और इसे फिर सेलेक्ट किए हुए क्लिक करें ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू मेश फ्रॉम कर्व टेक्स्ट, क्योंकि हमें पार्टिकल सिस्टम चाहिए इस वजह से। और इसके बाद हमें अब चाहिए होगा एक शिफ्ट ए मैश आइकोस्फीयर, ठीक है। इसके सब डिविजन में कम कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ साथ रेंडर टाइम मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो मैं थोड़ी स्पीड चाह रहा हूँ। तो इसका हम लोग एक मटेरियल लेते हैं इमिशन मटेरियल, और क्योंकि पिकाचू येलो कलर का होता है तो मैं येलो कलर के फायरवर्क्स दूंगा। आप डिफरेंट कलर के देख सकते हैं, इसका मेरे वीडियो में ब्लू येलो जिस तरह के कलर है उसके अलग अलग आइकोस्फीयर बना दो, अलग अलग मटेरियल दे सकते हैं आप। और स्ट्रेंथ में 10 रख रहा हूँ, और जो वर्ल्ड है उसको मैं ये थोड़ा डार्किश ब्लू आसमान का कलर सिंपल सा दे रहा हूँ, मैं इतना एक्स्ट्रा करना चाह रहा हूँ उसमें। तो आइकोस्फीयर को उसके बाद मैं अभी के लिए हाइड करूँ, फिर उसके बाद करें शिफ्ट ए कर्व बेजियर, ठीक, और फिर RX90 दबाएं, ठीक, और फिर से एस करके स्केल करके बड़ा कर लें थोड़ा। फिर उसके बाद शिफ्ट ए मैश यूवी स्फीयर कर लें, और इससे भी जो ट्रांसपेरेंट वाला मटेरियल था बेस वाला वो दे दें। ये देखें अब ये और वो जो दोनों हैं वो दोनों हाइड होंगे। फिर जो यूवी स्फीयर से सिलेक्ट करें, और जो बेजियर कर्व शिफ्ट दबा के उसे भी सिलेक्ट कर लें, दोनों सिलेक्ट हुए हुए हैं, तो इन्हें RZ90 दबाए और से ये रोटेट हो जाएंगे। उसके बाद यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करें, ठीक, और कंस्ट्रेंट टैब्स में चले जाएं, और फॉलो पाथ वाले को सिलेक्ट कर लें, और फिर जो ये आई ड्रॉपर टूल से ये वाली बेजियर कर्व को सिलेक्ट कर लें, और एनिमेट पाथ को सिलेक्ट कर लें, और फिर जो बेजियर कर्व से सिलेक्ट करें टैब दबा के एडिट मोड में चल जाएं। सीधे साइड व्यू में हम लोग चल जाते हैं, और ये जो उसका पॉइंट सिलेक्ट करके मैं जी दबा के से ऊपर ले आता हूँ, और इसका एंड पॉइंट जहाँ पे वो पिकाचू वाला उठता है उसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि ऊपर जाए, ठीक हो गया। तो अब से सब डिवाइड भी कर सकते हैं कर्व को, अगर आप ज़्यादा सब डिविजन ऐड करना चाहते हैं। ये देखें तो उसे थोड़ा टिल्ट शिल्ट करके जीप से शेप दे सकते हैं आप कितनी मर्जी है, ठीक। मैं तो उससे इतना नहीं करना चाह रहा। और उसके बाद ये अब जो डिफॉल्ट की एनिमेट पाथ की है ये देखिएगा ऊपर जाते हुए 100 फ्रेम्स लगते हैं, ठीक। तो ये तो बहुत स्लो है, हमें इतना स्लो नहीं चाहिए, इतने स्लो नहीं होते होते।
तो हम लोग इसे जो है कर्व को सिलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि हमने एनिमेट पाथ अप कर दिया है, तो जो एनिमेट पाथ वाली ऑप्शन अब चेक हुई है तो उसके नीचे फ्रेम्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग चले कर लेते हैं तकरीबन ये 40 फ्रेम्स में, चले हम लोग कर लेते हैं ऊपर चला जाए। अब ये देखिएगा, ये देखिए अभी काफ़ी स्पीड से जाके 40 फ्रेम में एंड में वहाँ पर पहुँचता है, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो स्पीड है उसे सिलेक्ट करें, उसके ऊपर पार्टिकल सिस्टम दे दें, ठीक, इमीडिएट रखें और स्टार्ट फ्रेम 1 ही रखेंगे और एंड फ्रेम जरिए पता हम लोग, क्योंकि टहा यहाँ पे 40 फ्रेम्स में आगे खत्म हो जाएगा, तो जो एंड फ्रेम है वो हम लोग तकरीबन 39 कर देते हैं। लाइफ टाइम रैंडमाइज करते हैं तो बेहतर ही रहेगा, और लाइफ टाइम 50 बहुत ज़्यादा, 40 या 35 कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, डिफरेंट हो सकता है। और सोर्स जो है आपने रखनी है वॉल्यूम, ये देखिएगा अभी, ठीक हो गया। और नंबर आई थिंक बहुत ज़्यादा है, 1000 बहुत हाई है, तो 500 करके देख लेते हैं। ये नंबर डिफरेंट हो सकता है, जितनी लंबी कार होगी उस हिसाब से नंबर चेंज होगा, ये काफ़ी से सेटिंग्स ऐसी हैं जो आप चेंज आपको करनी पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट पटाखों के लिए, ठीक। तो हम लोग ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक, और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो भी होगा आइकोस्फीयर, ठीक हो गया। और इसकी भी स्केल रैंडमनेस कंप्लीट कर लेते हैं, बेहतर रहेगा, और 0.1 कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्ट नीचे गिरते जा रहे हैं, मैं स्ट्रेंथ चढ़ा के ये थोड़ा फील्ड वेट्स में चल जाए, और जो ग्रेविटी है उसकी स्ट्रेंथ 0.4 कर देते हैं, तो इस तरह से थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्प्रेड रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा लेट्स का हो, स्टार्ट थोड़ा लेट से हो, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका ऑफसेट है उसे चेंज कर लें। मैं अगर इसका ऑफसेट 20 रख लेता हूँ अभी के लिए, ठीक, तो अभी 20 फ्रेम रुका रहेगा नीचे और उसके बाद चलेगा, ठीक हो गया। तो अगर लेट स्टार्ट चाह रहे हैं तो सबसे लेट स्टार्ट भी होगा, अगर मल्टीपल टाह आप इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह मैंने इसमें 2-3 टाह इस्तेमाल किए थे सारे एक वक्त में इकट्ठे ऊपर नहीं गए थे, तो अगर आप ज्यादा टाहे चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑफसेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड स्लो डाउन करने के लिए। तो अभी के लिए ऑफसेट में 0 रहने देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है ये पिकाचू वाला जो फेस है इसे जाए, इसे भी एक पार्टिकल सिस्टम देते हैं, इसका स्टार्ट और एंड फ्रेम दोनों 40 के ऊपर होगा, फ्रेम 40 होगा। लाइफ टाइम जो है ये भी 40 में कर रहता हूँ, लेकिन लाइफ टाइम रैंडमाइज इसकी थोड़ी कम रखते हैं, 0.3 रेटिंग, ठीक है। और इमिट फ्रॉम इसकी वर्टिसेस होगी सेटिंग, ये आपने ध्यान रखना है। और रेंडर एस इधर भी ऑब्जेक्ट ही होगा, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट फिर से आइकोस्फीयर ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्केल है वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो नंबर है ये हर किस्म अलग जो होगा, अगर ईवी में यूज किया होता, अगर पिपलॉप में यूज किया होता, तो वो अलग अलग उन सबके लिए होगा, जो डिफरेंट आप एसवीजी ये जो यूज करेंगे ना पिकाचू की जगह शोर आप यूज करते हैं, तो उसके लिए नंबर डिफरेंट होंगे, सही है, आप याद रखिएगा। तो अभी ये देखिएगा, ठीक, अब ये पिकाचू के फेसेस आई थिंक 1000 पार्टिकल्स काफी है उसके लिए, ठीक, लेकिन वो डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं नीचे डायरेक्ट ना गिरे, तो ग्रेविटी में काफी 0.1 करके देखता हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन में जरूरी होगी, और आप ट्राई करके देखते हैं। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल स्मूथ सा जा रहा है, मुझे इसका इतना पसंद नहीं आया, तो हम लोग इसमें थोड़ी सी टर्बुलेंस ऐड करते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक लेवल की टर्बुलेंस कर लेते हैं। उसकी स्ट्रेंथ आई थिंक 1 थी, अभी ट्राई करके देखते हैं, 1 नहीं तो 3 ट्राई करके देखते हैं, हाँ इस तरह से देखें फेडिंग अब उसकी थोड़ी नेचुरल लग रही है, बिल्कुल ही एग्जैक्ट नहीं हो रही। इसका को आई थिंक थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, लेकिन अभी भी नेचुरल थोड़ा लगे, इसे प्ले करके देखते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद है सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।